पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का इमरती देवी पर दिया गया अमर्यादित बयान उपचुनाव में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बीजेपी जोर शोर से इस मसले को उठा रही है। डबरा विधानसभा के चीमक में भाजपा मंडल सम्मेलन में शामिल होने पहुंची राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया ने इसी बयान को लेकर कमलनाथ पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ इस क्षेत्र की बेटी का अपमान कर चुके हैं, जिसका बदला 3 नवम्बर को क्षेत्र की जनता लेगी। इस दौरान भाषण दे रहे इमरती देवी के मंच के पर रोती हुई नजर आई और बाद में वो भी कमलनाथ पर जमकर बरसी। सुन लो चीमक की जनता, इमरती देवी ये चुनाव नहीं लड़ रही। इमरती देवी का परिवार का मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कमलनाथ और अहंकारी अजय सिंह और दिग्विजय सिंह के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह मैदान पे उतरे हैं। का कैबिनेट की सदस्य रही उस महिला को कमलनाथ ये शब्द इस्तेमाल करता है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है मेरे भाई और बहनों, मेरा मन बहुत पीड़ित है, आज मेरा मन दुखी है और मैं क्रोधित भी हूं, क्योंकि आज मेरे ग्वालियर चंबल की महिला की अस्मिता पर कलंक लगाकर कमलनाथ गया है। ये चुनाव नहीं रहा, ये आपके और मेरे सम्मान और इस माटी का नाम और निशान का बच्चा बन गया। आज बाबा साहब अंबेडकर अगर जीवित होते तो मुंह तोड़ जवाब देते।